गरीब कौन, एक बार घर में बीमारी आ जाए तो व्यक्ति नहीं पूरा परिवार बीमार हो जाता है, कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के चक्र में फंस जाता है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक है, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ इंश्योरेंस देने की योजना है। अगले 4, 5, 6 सप्ताह देश के अलग अलग कोने में इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी बात बात हुई। मैं आज नम्रता से कहना चाहता हूं, खादी की बिक्री पहले से डबल हो गई है, गरीब लोगों के हाथ में रोजी रोटी पहुंची है। मेरे भाई बहन, सोलर फार्मिंग, मेरा देश का किसान अब सोलर फार्मिंग की ओर भी बल देने लगा है। खेती के सिवाय के समय वो सोलर फार्मिंग से भी बिजली बेच करके भी कमाई कर सकता है। हमारा हद जगह कर्ज चलाने वाला व्यक्ति, हमारे हैंडलूम की दुनिया के लोग, ये भी रोजी रोटी कमाने लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, लेकिन उन सबके बावजूद भी मानव की गरिमा ये सुप्रीम होती है। मानव की गरिमा के बिना देश संतुलित रूप से न जी सकता है, न चल सकता है, न बढ़ सकता है। और इसलिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का सम्मान, हमने उन योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो सम्मान भर जिंदगी जी सके, गर्व से जिंदगी जी सके। नीतियां ऐसी हो, रीति ऐसी हो, नियत ऐसी हो कि जिसके कारण सामान्य मानवी, गरीब से गरीब मानवी भी हर किसी को अपने आप को बराबरी के साथ जीने का अवसर देखता हो। और इसीलिए उज्ज्वला योजना हो, हमने गरीब के घर में गैस तरीके से पहुंचाने का काम किया हो, सौभाग्य योजना हो, गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का